पास आओ मेरे, इधर आ जाओ। अब इसको इसको ऐसा दबा के देखो, बोतल को क्या लग रहा है? इसको दबाओ धीरे से। क्या हो रहा दब रहा है? तो ये क्यों नहीं दब रही है? तो ये प्लास्टिक में इसमें डाल के मैं क्या कर रहा हूँ? ये पता नहीं, ये पता है ये क्या बन रही है? इसको क्या कहा जाता है? डस्टबिन नहीं कहा जाता है, इसको कहा जाता है इको ब्रिक्स। क्या कहा जाता है? इको ब्रिक्स। इको ब्रिक्स, एक ब्रिक्स यानी क्या होता है? ईट। ये देख रहे हैं आपके जो स्कूल की दीवारें हैं, ये है। अगर मैं अगर हम चाहे तो कल जाके इससे भी आपके स्कूल की दीवारें बना सकते हैं। हम बना सकते हैं। इसका कॉस्ट कितना है? जीरो रुपीस। जो कचरा आप खा रहे हो, जो प्लास्टिक आप खा रहे हो, जो प्लास्टिक से आप कुछ चीजें ला रहे हो, वो आपको ऐसी बॉटल में डालने हो गया, ये तो फ्री में हो गया। आप अपने स्कूल के लिए ये इको ब्रिक्स बना सकते हो, ठीक है? आज नागपुर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, नागपुर है 25 के, इससे ऑलमोस्ट 3000 के ऊपर इको ब्रिक्स जमा की गई है डिफरेंट डिफरेंट स्कूल से। तो आपके भी स्कूल से ऐसी इको ब्रिक्स होना चाहिए। इससे आप ये देखो, एक इमेजिनेशन करो, ऐसे अगर हमारे पास 100 बॉटल है, हम 100 बॉटल का यहाँ टेबल बना सकते हैं। 100 बॉटल का हम जैसे ये देखा आपके स्कूल में जो बहुत सारे पेड़ है उसके सराउंडिंग में बैठने के लिए जगह बना सकते हैं इको ब्रिक्स से। हम ईटा ना यूज़ करते हैं, हम क्या यूज़ कर सकते हैं? इको ब्रिक्स। और इको ब्रिक्स यूज़ करके हम एक और चीज़ कर सकते हैं, जो प्लास्टिक हमारे घर वाले डस्टबिन में डाल देते हैं या इधर उधर डाल देते हैं, तो पता है क्या होता है? जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक रहता है, पता है आपको, सिंगल यूज प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं होता है। उसको पता है 400 साल लग जाएंगे, यानी आपके जो बच्चे होंगे ना आगे चल के, वो बच्चों के भी बच्चे हो जाएंगे ना, तभी भी आपने जो प्लास्टिक खा के आज फेंके हो कहीं पे, वो रिसाइकल नहीं होगा, वो डिकम्पोज नहीं होगा, जो कितना डेंजरस हो सकता है एनवायरनमेंट के लिए। तो रेदर देन हम वो प्लास्टिक को इधर उधर फेंकने से अच्छा हम क्या करेंगे, वो प्लास्टिक को बॉटल में डालेंगे। तो ये प्रैक्टिस हम चालू करेंगे आज से। बट अभी मुझे एक सिंपल से एक चीज बताना है आपको। अभी ऐसा प्लास्टिक ऐसा तो बहुत लोग खाते होंगे, चिप्स का पैकेट, चोकोस का पैकेट। अब ये बेटे का इसके हाथ में खाली वाली एक बॉटल है, तो व्हाट ही विल डू, मैं इसको ये देता हूँ, तो इसको बोले ये प्लास्टिक को अभी इको ब्रिक्स बनाना स्टार्ट करो। तो क्या करोगे आप? हाँ कैसे डालोगे? इज दिस राइट? व्हाट रॉन्ग? क्या रॉन्ग हुआ इसमें बताओ? हाँ बताओ ना, आ जाओ। अरे बताओ क्या हो गया, क्या रॉन्ग किया उन्होंने आपको? ये तो बताना है मुझे। हाँ ऐसा करके डालना है बोलता हूँ। हाँ? ये अच्छा, ये कितने लोग बोलते हैं राइट है? ये भी रॉन्ग है। ये कभी कभी हाँ कचरा क्यों डालेंगे? ये देखो कभी भी है ना, इको ब्रिक्स हम बनाते हैं तो मेक श्योर कि जो भी हम ये प्लास्टिक ये जो यूज़ कर रहे हैं ये क्लीन है कि नहीं है। अगर ये क्लीन नहीं होगा, अंदर कुछ होगा इसके अंदर खाना वाना, कल जाके क्या हो जाएगा, इसमें फंगस लग जाएंगे, है ना, अलगे लग जाएंगी, तो इससे क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएंगे आपकी इको ब्रिक्स। तो मेक श्योर कभी भी हम कोई प्लास्टिक यूज़ करते और इको ब्रिक्स के लिए यूज़ कर रहे हैं तो जो प्लास्टिक को है ना इस तरीके से देखो, सब लोग देखो इस तरीके से इसको ओपन करना है। देखो उसको कुछ खाना थोड़ा बहुत, इसको क्लीन करना है, अच्छे से क्लीन करना है, एक कपड़े से क्लीन करना है, और कपड़े से क्लीन करने के बाद इसको और छोटा, यानी अभी मेरे पास सीजर नहीं है लेकिन आपके सीजर रहेंगी, कैंची, कैंची से इसके छोटे 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 टुकड़े करना है, छोटे छोटे टुकड़े और छोटे टुकड़े करना है। तो उससे क्या होगा, दांत से नहीं, सीजर यूज करना और इसके छोटे छोटे टुकड़े करके फिर देखो इसके और एक टुकड़ा करेंगे, फिर ये छोटे छोटे टुकड़े करके हम डालेंगे ना तो कैसा होगा, प्रॉपर सेटल होते जाएगा नीचे, नहीं तो क्या हो जाएगा, ये हम ऐसे डालते जाएंगे पूरा एक इसको, तो उससे क्या हो जाएगा, वो नीचे सेटल नहीं होगा प्रॉपरली। तो नीचे सेटल नहीं होने से आपकी इको ब्रिक्स ऊपर से तो मजबूत दिखेंगे लेकिन नीचे से उतनी मजबूत नहीं रहेंगे। तो मेक श्योर कि इसको साफ करके अच्छे से, गीली प्लास्टिक कोई भी यूज़ नहीं करेगा, उसको अच्छा सुखा के इसको क्लीन करके इसको ये करेंगे। तो अभी होपफुली आपको समझ